गांव के एक कम आय वाले खेतीहर मजदूर की बेटी अधिकारी बनी। बच्चियों ने किया गांव का नाम बड़ा। गांव ने ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली, फूल बरसाए, महिलाओं ने किया स्वागत। गांव की ओर से भव्य दीप स्वागत देख वह भाविभोर हो गई। चीमू तालुका के पंडरवानी गांव में शालू शामराव हाउस में यह स्वागत समारोह देखने को मिला। चंद्रपुर जिले के चीमूर तालुका के पंडरवानी गांव की शालू ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आयोजित संयुक्त ग्रुप सी परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह औद्योगिक निरीक्षक के पद पर आसीन होंगी। चीमूर तालुका के पंडरवानी गांव की शालू श्यामराव घरात ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद स्कूल से की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नेरी के सरस्वती कन्या विद्यालय से की। उन्होंने आनंद निकेतन कॉलेज बरोरा में अपनी जूनियर कॉलेज की शिक्षा पूरी की और ज्ञानेश कॉलेज नवरगांव से विज्ञान स्नातक पूरा किया। वर्तमान में वह पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। विज्ञान में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने अधिकारी बनने के उद्देश्य से नेचर फाउंडेशन द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षा का प्रशिक्षण लिया। शालू को ब्राइट्स फाउंडेशन की मैजिक परिवार द्वारा दी जाने वाली सहारा स्कॉलरशिप के लिए चुना गया था, जिससे वह पुणे जैसे शहर में विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सक्षम हुई। उसने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। शालू की सफलता की सराहना की जा रही है। जैसे ही वह गांव आई, ग्रामीणों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह जीवन में कुछ सफल करना चाहती थी। द नेचर फाउंडेशन ने एक अधिकारी बनने के मेरे सपने का बीजारोपण किया और उस सपने को ब्राइट इज फाउंडेशन और मैजिक परिवार से सहारा स्कॉलरशिप द्वारा आर्थिक रूप से मजबूती से समर्थन दिया गया। इसी वजह से मैं पुणे जैसी जगहों पर पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में निरंतरता और योजना हो तो सफलता निश्चित है। जर मी ऍडमिशन केली असती तर चांगलं कॉलेज भेटलं असतं, हॉस्टेल भेटलं असतं। नवरगावमध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्टेल पण नव्हते आणि माझ्या बाबाने तर मला 12वीमध्येच सांगितलं होतं गव्हर्नमेंट हॉस्टेलला नंबर लागेल तर मी तुला शिकवतो, नाही तर मी तुला शिकवणार नाही। बस ते शब्द आठवत होते, तरी रडायला येत होतं। पण काकाने एकच शब्द म्हटलं मला की शालू ऐकली तू की या कॉलेजमध्ये तुझ्या एवढा पर्सेंट असणारा कोणीच नाही, म्हणजे तू या कॉलेजची टॉपर येऊ शकते। बस मी रडणारी एकदम शांत झाली। मला असं वाटलं यार मी हा विचारच केला नाही की खरंच ना मी या कॉलेजची टॉपर येऊ शकते। ती कुठंतरी पॉझिटिव्ह एनर्जी माझ्यामध्ये जागृत झाली। असो नाही भेटलं ऍग्रिकल्चर, नाही भेटलं गव्हर्नमेंट कॉलेज, नाही भेटलं गव्हर्नमेंट हॉस्टेल, पण प्रायव्हेट असो पण मी त्या कॉलेजची टॉपर येऊ शकते। बस माझ्या डोळ्यासमोर एकच हे स्वप्न गुंजत होतं की मला त्या कॉलेजची टॉपर यायचं आहे। 26 तारखेला ऍडमिशन केली, 28 तारखेला कॉलेजमध्ये गेली आणि बरोबर एका महिन्यानंतर म्हणजे 5 तारखेला एक्झाम होती युनिव्हर्सिटीची। चंद्रपूर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताईडे की स्पेशल रिपोर्ट।